रिसर्चिंग टाइम मतलब माय नेम इज पूनम तन यो वाचिंग इसके ऊपर आज हम बात करने वाली हैं अगले हफ्ते होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में जहां पर WWE ने एक टाइटल मैच को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा हमने देखा था करीब 3 से 4 हफ्ते पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि टीम आर के ब्रो और दिवसोज के बीच टाइटल वर्सेस टाइटल यूनिफिकेशन का मैच देखने को मिलने वाला है। लेकिन जब इन दोनों टीमों की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है तब रोमन रेंज आर के ब्रो के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं। उसके बाद WWE ने इस मैच में चेंज करते हुए रेसलमेनिया बैकलैश के लिए 6-मैन टैग टीम मैच को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था जहां पर ड्रू मैकइंटायर और टीम आर के ब्रो का मैच ब्लड लाइन के साथ देखने को मिलता है और इस मैच में द ब्लड लाइन जीत जाते हैं। वहीं इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में टीम आर के ब्रो एक बार फिर दी उसोज को टाइटल यूनिफिकेशन मैच के लिए चैलेंज करती है। मेन इवेंट में दी उसोज इस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद आर के ब्रो द ब्लड लाइन पर अटैक कर देती है। इसी के चलते WWE ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अगले हफ्ते होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में WWE रॉ टैग टीम चैंपियन टीम आर के ब्रो और WWE स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन दी उसोज के बीच टाइटल वर्सेस टाइटल यूनिफिकेशन का मैच देखने को मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।